नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि मेरे हर एक व्यूअर्स का ये नया साल बहुत ही शानदार जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो नई चीज़ें करने वाले हैं। पहली चीज़, हम ये देखेंगे कि हम कैशियो कैलकुलेटर को कैसे स्विच ऑफ कर सकते हैं, और दूसरी हम ये देखेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अपने कैशियो कैलकुलेटर को कैसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें दो फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो फंक्शन है दोस्तों, वो है डिस्प, जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले, और दूसरा जो फंक्शन है वो है दोस्तों करेक्ट फंक्शन। दोस्तों, इन दोनों फंक्शन की मदद से हम अपने कैशियो कैलकुलेटर को ऑफ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्प फंक्शन को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके तुरंत बाद आप करेक्ट बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप करेक्ट बटन को प्रेस करते हैं, आप डिस्प बटन वाले जो फंक्शन पे आपने जो प्रेस किया हुआ है वो आप रिलीज़ कर दीजिए, और उसके बाद आप करेक्ट फंक्शन वाले पे जो बटन आपने प्रेस किया हुआ है उसे भी रिलीज़ कर दीजिए। ये करने के बाद आपका कैशियो कैलकुलेटर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने डिस्प बटन दबाया, करेक्ट बटन दबाया, और हमने डिस्प बटन को रिलीज़ कर दिया है, और अब हमने करेक्ट बटन को भी रिलीज़ कर दिया है। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो कैलकुलेटर है वो स्विच ऑफ हो चुका है। एक बार मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्प बटन दबाया, करेक्ट बटन दबाया, हमने डिस्प बटन को रिलीज़ कर दिया, और उसके बाद हमने करेक्ट बटन को रिलीज़ कर दिया। देख सकते हैं आपका कैलकुलेटर स्विच ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब आती है बात, जो दूसरी चीज़ हम करने वाले हैं वो है जो हमारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये है एक क्वेश्चन। अब दोस्तों, जिन्होंने मेरे से डाउट पूछा है उनका नाम है अब्दुल मजीद। दोस्तों, वो ये कहते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को जीटी की मदद से कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँगा कि जीटी फंक्शन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब वहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन नहीं हो। अब आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो जगह पर माइनस साइन है, एक तो यहाँ पर है दोस्तों और एक यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, आप यहाँ पर जीटी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस होता तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से जीटी की मदद से ही आप ये क्वेश्चन कर पाते। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर उस क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन है तो आप जीटी का यूज़ नहीं कर सकते, अगर माइनस साइन नहीं है तो आप जीटी का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट उन्होंने मेरे से पूछा वो ये था कि इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ कैसे कर सकते हैं एम प्लस और एम माइनस की मदद से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट आ जाता है तो आपके लिए वो दो क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि अगर आप m प्लस और m माइनस बटन यूज़ करना चाहते हैं तो, और क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट आ जाता है, तो आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको m प्लस और m माइनस बटन दो बार यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ से भाग वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 जो है वो प्लस में है, तो हम यहाँ एम प्लस बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद आता है 4 हमने प्रेस कर दिया है, और यहाँ पर आ जाता है जो 4 है वो प्लस में है यानी एम प्लस। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम अगला जो स्टेप है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 6,
और यहाँ पर हम देखेंगे जो 3 है वो माइनस के अंदर है, तो यहाँ पर हम एम माइनस बटन दबाएंगे, और एम माइनस बटन दबाने के बाद हमारा क्वेश्चन हो चुका है, और इसका जो आंसर हमें लेने के लिए हमें एम आर सी बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एम आर सी बटन प्रेस किया, यहाँ पर हमारे को आंसर मिल गया है, वो है 48.5, और हमारा आंसर भी 48.5 है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब दोस्तों जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अब आप दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कैलकुलेटर के अंदर मेमोरी सेव है। मैंने हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आपके मेमोरी अगर कैलकुलेटर के अंदर मेमोरी सेव है तो इसे इरेज करना बहुत ज़रूरी है, और इसे इरेज करने के लिए यहाँ पर आपको एम आर सी बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं 1 एंड 2। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से M हट गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी इरेज हो गई है। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन जो मैंने ये क्वेश्चन अभी किया है अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं M प्लस M माइनस में, जिसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई है जिसमें आप डिटेल से समझ सकते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 है तो हम यहाँ 2 प्रेस करते हैं, तो ये 2 जो है वो प्लस के अंदर है तो यहाँ हम एम प्लस बटन प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आता है 4। दोस्तों आपको पता ही है कि ब्रैकेट अगर लग जाता है तो यहाँ पर जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का बन जाता है, और इधर भी 6 के बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 48.5, यहाँ पर हम लिखते हैं 48.5। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई बाय 6, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 4 है वो प्लस में है या माइनस में है। ये जो 4 है दोस्तों ये प्लस में है तो हम एम प्लस बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप 3 है तो हम 3 प्रेस करेंगे, और जो ये माइनस साइन दिया हुआ है इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एम माइनस बटन प्रेस करेंगे। तो एम माइनस बटन प्रेस कर हम एम आर सी बटन प्रेस करेंगे और हमारा आंसर आएगा 1163, और दोस्तों हमारा भी आंसर 1163 है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं। ये वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, वो आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा और आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।